नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में महंगाई की मार से जनता बेहाल है। महंगाई की मार से बचने के लिए पाकिस्तान के विधानसभा स्पीकर मुश्ताक गनी ने अजीबोगरीब सलाह दी है। मुश्ताक ने कहा कि महंगाई के इस दौर में लोगों को रोटियों की संख्या कम कर देनी चाहिए। मेड द प्रेस प्रोग्राम में उन्होंने कहा, दो रोटी की बजाय एक ही रोटी खाएं। मुश्ताक ने पाकिस्तान के ऊपर भारी भरकम कर्ज और मौजूदा संकट का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को दो रोटी की बजाय एक रोटी ही खानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, ऐसा समय भी आएगा जब आपको एक या दो रोटी नहीं बल्कि ढाई रोटियां खाने को मिलेंगी। उन्होंने नया फॉर्मूला बताते हुए कहा, अगर एक व्यक्ति एक दिन में दो रोटी खाता है और अगर वो इसे घटाकर एक रोटी ही कर दे तो वह अगले दिन दो से तीन रोटियां खाने में समर्थ हो सकता है। जल्द ही उनके बोल अखबारों की सुर्खियां बन गए, लोगों ने उन्हें निशाने पर ले लिया। अपोजिशन पार्टी के नेता बिलाल भुट्टो ने बोला, ये नया पाकिस्तान तो नहीं, महंगा पाकिस्तान जरूर है। आपको खबर कैसी लगी? आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दो रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा, बट इंशाल्लाह अल्लाह वो दिन जरूर लाएगा और बहुत जल्द कि दो के बजाय आप ढाई रोटियां खा सकें।